हेलो दोस्तों, नमस्कार। जेटेट की तैयारी में एक बार फिर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं अपने बारे में बताने वाला हूँ कि मैं किस तरह से 3 बार टीटी पास किया हूँ, और कुछ ट्रिक मैं आपको भी बताऊंगा। आपको मैं दिखाता हूँ कि मैं किस तरह से टीटी पास किया हूँ, तो आप भी मेरी तरह अब टीटी पास कर सकते हो। ये देखिए, मैं 2012 का नोटिफिकेशन था जिसमें मैं, ये देखिए, मेरा 2012 में टीटी पास किया था। हालांकि अब इसकी वैधता समाप्त हो चुकी है, लेकिन मैं उसमें पास किया था, 92 किया था इसमें। तो ये हो गया 2012 का टीटी। और मैं बता के दिखाता हूँ आपको, 2016 में टीटी हुआ, वो भी मैं पास किया हूँ। उसके बारे में मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, हाँ ये देखिए आपको, हाँ ये देखिए, ये 2016 में मैंने पास किया टीटी। इसमें मैं 95 किया दोस्तों, ये देखिए। लेकिन सरकार की गलत नीतियों के कारण अभी तक बहाली नहीं हो पाई है। मैं आपकी तरह भी टीटी की तैयारी करता हूँ, और मैं आपको एक दिखाता हूँ। ये दो हो गए झारखंड के, और एक टीटी जो 2017 में हुए वो मैं बिहार का पास किया हूँ। देखिए यहाँ पर आपके सामने है, ये देखिए मैं बिहार में टीटी पास किया हूँ। देख लीजिए आप, 2017 में इसमें भी 60% मार्क्स हैं। तो दोस्तों, किस तरह से तैयारी किया जाए, आखिर क्या किया जाए जिससे अच्छा रिजल्ट हो, तो अगर हमसे आप सलाह चाहते हैं तो मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि देखिए, जब टीटी निकलता है तो बहुत सारे कैंडिडेट होते हैं कि टीटी नोटिफिकेशन आता है तब वो आप पढ़ना शुरू करते हैं। आपको नोटिफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, आप लगे रहो, आप पढ़ते ही रहो, जिससे क्या होगा, आपका एक बेस तैयार हो जाएगा। आप मनोविज्ञान, हिंदी, इंग्लिश, अगर 68 की तैयारी करते हैं तो सोशल साइंस और शिक्षण से संबंधित सवाल जो है, ये सब आपको हल करना होगा और कंटिन्यू पढ़ते रहना होगा। जब आप 2-4 महीने कंटिन्यू पढ़ोगे, नोटिफिकेशन निकल जाए तो 1 से 1.5 महीने ही टाइम मिलते हैं। उसमें आप क्या पढ़ो क्या ना पढ़ो, जल्दीबाजी में गड़बड़ हो जाती है, इसलिए आप पहले से लगो। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और धीरे धीरे लगा रहो। हम जो है बार बार लगातार वीडियो 10 दिन, 15 दिन, 7 दिन पे डालता रहता हूँ, तो कुछ न कुछ उससे आप देखते रहो टाइम निकाल के, तो कुछ न कुछ सीखोगे और अपना से भी कुछ अध्ययन किया जाए। तो उस तरह से एक बार में, 1 महीने में कुछ नहीं होता। आप 2-4-6 महीने तैयारी करोगे तब जाकर आपका कहीं बेस तैयार हो जाएगा और आपको लगेगा कि हाँ, अब मैं टीटी पास करने लगा। 2018 में जब टीटी होगा, तो इस बार तो सरकार ने हर एक विषय को अलग अलग किया है कि आपको हर एक विषय में पास करना पड़ेगा। 52% अगर कैटेगरी में आते हैं तो आपको लड़ना पड़ेगा। अगर 60% कैटेगरी में नहीं है, जनरल है, तो 60% हर एक विषय में अलग अलग लाना पड़ेगा। तो थोड़ा सा एग्जाम टफ होगा, इसकी तैयारी भी मेहनत से होनी चाहिए। तो अगले टीटी में मैं भी परीक्षा दूंगा, आप भी मेरे साथ तैयारी करो और कंटिन्यू बना के रखो। जब तक कंटिन्यूटी नहीं बनेगी, आप ज्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आपको शिक्षक बनना है तो शिक्षक की ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो ठीक है दोस्तों, आपसे बात करके अच्छा लगा, और मुझे विश्वास है कि आप फॉलो करोगे और बेशक समय दोगे। और नोटिफिकेशन ज़्यादा मायने नहीं रखता, वो तो अपने समय के अनुसार सरकार जब चाहेगी तो नोटिफिकेशन निकालेगी, लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपनी तैयारी में लगा रहना है। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए।